वेलकम टू नाज़रीन सामेईन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यू आर विल बी वेल एंड हैप्पी इन योर लाइव्स। मे अल्लाह अलमाइटी ब्लेस हिज मर्सी ऑल ऑफ यू एंड मी। नाज़रीन सामेईन इकराम, गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करते हुए अपडेट हासिल करें कि कानून किस चीज़ को क्या कहता है, किस लफ्ज़ को कानून की ज़बान में क्या कहते हैं। ये चीज़ें हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली हैं। तो मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा, बयान करूंगा लॉ ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत ऑनरेबल कोर्ट जब एक ऑर्डर इशू करता है तो क्या होता है, उसका मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आप लोगों को। इन लॉ ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ऑर्डर इज एन प्रोक्लेमेशन ऑफ अ जज एंड इट डिफर्स लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉम जजमेंट, बट इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इन सूट। एन ऑर्डर इज प्रोक्लेमेशन ऑफ द हियरिंग्स, प्रोसीडिंग्स, अपील और अदर कोर्ट proceedings, and order requires or authorization performance of certain steps by one or more parties to some case, that's an order. The term order is though considered analogous to degree, yet it is not only different from degree but it is also distinguishable from judgment. In civil procedure code, order has been defined as formal expression of that decision which is of a civil code and which is not a degree. यानि हुक्म एक जज की जानब से सरकारी ऐलान होता है और ये एक समाअत, ट्रायल या अपील या दीगर अदालती कार्रवाइयों के फ्रीकैन के माबैन कानूनी तल्लकात को ज़ाहिर करता है, वज़ा करता है। किसी मुकदमा के एक या एक से ज़ायद फ्रीकैन की जानब से ख़ास इकदामात की इंजाम दही को हुक्म तलब करता है, इसका इख्तियार देता है। इस्तलाह हुक्म को अगरचे डिग्री से मुशाबे सवर किया जाता है मगर ये ना सिर्फ डिग्री से मुख्तलफ होती है बल्कि फ़ैसले से भी काबिले इम्तियाज होता है। तो कानूनी ज़ाब्ता दीवानी में हुक्म की तारीफ इस फैसले के बाज़ाब्ता इजहार के तौर पर बयान की गई है जो फैसला एक दीवानी अदालत का होता है और जो एक डिग्री नहीं होती। अब ऑर्डर या ये अदालती हुक्म या सरकारी ऐलान कितनी किस्म का होता है, मेन दो अकसाम है इसकी। एक तो एक परमानेंट ऑर्डर होता है और एक अबूरी ऑर्डर होता है। परमानेंट जो हमेशा के लिए ऑर्डर इशू हो गया कोर्ट की तरफ से, अबूरी जिस पे अभी कुछ फैसला हो गया है या कुछ अरसे के लिए वो हुक्मनामा सरकारी ऑर्डर जारी हुआ है
वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इसके कंसीक्वेंसेस देखें कि क्या है, नतीजे क्या निकलते हैं। अगर तो कंसीक्वेंसेस पॉजिटिव हैं, फेवरेबल हैं एज ए होल कम्युनिटी स्टेट के लिए, तो वो ऑर्डर परमानेंट हो जाता है। अगर उसके नतायज सोसाइटी, कम्युनिटी, स्टेट, मुल्क के लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो काबिले अपील होता है, वो ऑर्डर उसको तब्दील भी किया जा सकता है, उसमें तब्दीली भी लाई जा सकती है, और उसके बाद उसको मुस्तकिल बुनियादों पर परमानेंटली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ये तो था तारफ और इसकी अकसाम। दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि आप तक मेरी जितनी कानूनी मालूमात की अपडेट्स हैं वो आज तक प्रॉपरली मुसलसल पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।